24 News, जज्बा सच दिखाने का। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और फरावन अपने प्रत्याशी के समर्थन जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने से पहले चंद्रशेखर ने दलित महापुरुषों को नमन किया। इसके बाद चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से कहा, अगर सत्ता चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना होगा। जनसभा में जोश भरने के लिए चंद्रशेखर बोले, बुलंदशहर से यूपी की फिजा बदलेगी। सरकार पतंश कसते हुए चंद्रशेखर ने कहा, सरकार पर विधायक खरीदने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, गरीबों के लिए नहीं। चंद्रशेखर बोले कि गरीब की बेटी की आबरू सुरक्षित नहीं और इस पर सरकार चुप है। चंद्रशेखर ने कहा कि हाथरस की बहन के साथ जाति को भूलना नहीं, दलित की बेटी को जलाने वाली सरकार को भूलना नहीं। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने योगी सरकार को निकम्मी, झूठी और जातिवादी करार दिया। चंद्रशेखर बोले कि निकम्मी, झूठी और जातिवादी सरकार है, लोकतांत्रिक नहीं। उतना ही शोषण उत्तर प्रदेश पुलिस का भी सरकार में हो रहा है। आपने देखा कानपुर में आटक, वो पुलिस वाले जो हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं, आटक पुलिस कर्मियों को मार दिया जाता है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था है। यहाँ कोरोना काल में भी जातिगत अत्याचार लगातार चले हुए, पूरे प्रदेश में बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती है, सरकार चुप्पी थाम के बैठी रहती है। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है। सारे किसान जो हैं वो चिल्लाते रहे कि हमें किसान विरोधी अध्यादेश नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मार्शल खड़े करके वो बिल लागू करा दिया। ये सरकार जो तमाम वर्गों के विरोधी है और अपने आप को अगर बचाना चाहती है तो राष्ट्रवाद की बात करती है, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं आपका ध्यान हाथरस लेके जाना चाहता हूं। हाथरस की बहन का के साथ जो जाती हुए भूले तो नहीं आप लोग, जिस तरह से सरकार के इशारे पे पहले बहन को न्याय नहीं मिला, उसका इलाज नहीं हुआ, फिर उसकी जान चली गई और जिस तरह से कचरे की तरफ का सब चला गया, इस जलाने वाली सरकार को भूल जाओगे आप लोग। देखिए चीजें बहुत साफ है। परसों मेरी परिवार से बात हुई थी, उस परिवार ने जो मेरा परिवार है मुझ पर भरोसा दिखा, कहा कि हम अपने बेटे के साथ जाना चाहते हैं। उनकी सुरक्षा और उनके बेटे के इस रिश्ते के बीच में सरकार खड़ी है जो नहीं चाहती कि पीड़ित परिवार वहां से जाए। परसों मेरी बात हुई, परिवार ने मुझे बताया कि भैया एक एसडीएम महोदया है, वो आती है, वो कहते हैं न्याय चाहिए। सुनिए गौर से, अगर न्याय चाहिए तो सरकार ने 25 लाख रुपए की मदद की है, वो वापस कर दो। और ये बात वो दो बार बोल चुकी है जाके वहां। ऐसी निकम्मी, झूठी, जातिवादी मानसिकता रखने वाली है, जाति को बढ़ावा देने वाली सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा। चंद्रशेखर ने यूपी में असुरक्षा का माहौल बताया, जबकि बागपत में दरोगा की दाढ़ी रखने पर निलंबन की कार्रवाई को भी चुनावी मुद्दा बनाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि बागपत में दरोगा को दाढ़ी रखने की आजादी क्यों नहीं। चंद्रशेखर ने कहा कि इसकी आजादी संविधान देता है, मगर फिर भी दरोगा की दाढ़ी कटवा दी गई। दलित को साधने के लिए चंद्रशेखर ने बुलंदशहर में दलित कार्ड खेलते हुए कहा, बागडोर से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने बयान दिया कि सरकार संविधान खत्म करना चाहती है। देखिए देश में, मैं संविधान की बात करता हूँ, इस देश में संविधान है और संविधान में आर्टिकल 25 और 26 है जो सबको धार्मिक आजादी देते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो। लेकिन अभी सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए बागपत में एक दरोगा जी है, उन्होंने खत रख लिया था सुन्नत। कप्तान साहब ने कहा कटौनी पड़ेगी। मैं ये पूछता हूं, ये कौन सा कानून है जो किसी को बेबस करता है जब
धार्मिक आजादी है, जब सिख भाई पगड़ी बांध सकता है, दाढ़ी रख सकता है, जब आप तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री योजना के तहत इतनी बड़ी दाढ़ी रख सकते हैं, तो फिर उस भाई से शिकायत क्यों? उनको लगा, देखो कारण बताता, उनको लगा कि मुसलमान विरोध करेगा, लेकिन यहाँ का मुसलमान बहुत समझदार हो चुका है, उन्हें लगा कि विरोध करेगा, उनका जो पोलराइजेशन का जो बंटवारे की राजनीति है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन उन दरोगा जी ने अपनी खत कटवा ली और कहा कि साहब मैं ड्यूटी पे आ गया, आप मुझे बाहर कर दे। बड़े गौर से सुनना, जब चुनाव होता है तो ये कहा जाता है कि भाई जो मुसलमान भाइयों के लिए स्पेशल कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम तो उसे वोट देंगे, और इसी बात पर आप पिछले 72-71 साल से खड़े हो, जिसका मैं आता उसको ढोलक बना के रखता है, चुनाव से पहले वोट लेता है और चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री से आपसे पूछता है, मैंने कहा था मुझे वोट दो, आपको बीजेपी को हराने के लिए मुझे वोट दे देते हैं। राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर ने कहा, आपको ट्विटर वाला नेता चाहिए या सड़क वाला? आपको बता दें, यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में चंद्रशेखर ने बुलंदशहर सदर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जिसके समर्थन में चंद्रशेखर जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में वोट मांग रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश जैसा बिहार को बना दें। बिहार में तो पहले से इतनी समस्याएं हैं और ऊपर से उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं, कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अगर उनमें जरा सा भी संयम है, धैर्य है और वो चीज़ों को समझते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे जब प्रदेश नहीं समझ रहा है तो अयोग्य व्यक्ति अगर कुर्सी बैठा रहेगा तो मुझे लगता है कि अपराधियों को इतना हौसला हो जाएगा कि वो घर में घुस के जो अपराध करेंगे। तो उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश बन चुका है और दलितों का रहना तो उत्तर प्रदेश में दुष्प्रभाव है। दलित मुझे लगता है आने वाले समय प्लान करेंगे या धर्म परिवर्तन करेंगे, ऐसा जैसा वहाँ देखने को मिला गाजियाबाद में कुछ समय पहले, तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की। बागपत की सर, अभी आपने कहा था बागपत का जिस तरीके से बताया था कि एसपी ने एक आदेश दे दिया था, एक दरोगा, देखिए इस देश में आर्टिकल 25-26 कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं जो सबको धार्मिक आदेश देते, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई धार्मिक अल्पसंख्यक हो, सबको अपने धर्म को मानने की और अपने धर्म का पूजा पाठ करने की आज़ादी है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अपनी दाढ़ी रखी हुई है, उनको अच्छा लगता है तो सब लोग रखते हैं, इस तरह से किसी को बेबस करना या दबाव बनाना ये सही नहीं है। ये एक तरह से एक एजेंडा सेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट ने काम तो कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यूपी में क्राइम भी बढ़ रहा है और कोई भी एक अच्छा काम सरकार नहीं कर पा रही, तो अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए वो दोबारा से जो है, अब चुनाव है तो वो राष्ट्रवाद और जो पोलराइजेशन का एजेंडा है उनका बंटवारे का, उसी को दोबारा से लागू करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान समझदार हैं तो दरोगा जी ने अपने आप ही कटवा लिया दाढ़ी और कहा कि मैं ड्यूटी पे आ गया। मानते हैं सर ये एक साजिश के तहत ये सब? बिल्कुल प्लानिंग है, आपने बिहार का हाल देख लिया होगा, प्रधानमंत्री जी की रैली में 2000 की भीड़ नहीं जुट पा रही और जो और लोग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए कोरोना पॉजिटिव की बात कर वापस लौट रहे हैं। हालात ये हैं कि अभी जनता के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि करा कुछ नहीं है। बिहार में 15 साल इनकी सरकार थी और आप हालात देखिए कि बिहार में लोगों के तन पे कपड़े भी नहीं है, जो बुनियादी ज़रूरत है कि सामान है उसमें भी काम नहीं हुआ है, ना अच्छे हॉस्पिटल वहाँ है, ना अच्छे स्कूलिंग वहाँ पर है, ना ही वहाँ क्राइम कंट्रोल हो पा रहा, तो जैसी स्थिति वहाँ है ऐसी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जनता तैयार हो चुकी है, आप आज चुनाव करा लीजिए तो मुझे लग रहा है सरकार जो है अल्पमत में चली जाएगी। देखिए हम लोग पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो टीम है जनता चुनाव लड़ाती है, जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस का भी शासन देख चुके हैं, बीजेपी का शासन देख चुके हैं और तमाम लोगों का शासन देख चुके हैं, अब जनता ने मन बनाया कि वो आज़ाद समाज पार्टी को मौका देगी और आज की ऐतिहासिक भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं, लोगों को परवाह है तो वो बदलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में पहला विधायक आज़ाद समाज पार्टी का संरक्षण है और संरक्षण के चलते मुख्यमंत्री तमाम तरह की जो हैं लोगों को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। उसी में एक ये फंडिंग का मामला था, ईडी ने साफ कर दिया कोई फंडिंग नहीं हुई है, और अगर फंडिंग हुई है तो फिर देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं, बड़ा सोचने का विषय है। इस तरह से तो यहाँ कोई भी बड़ा क्राइम हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक उन्होंने जुमला छोड़ा था कि जिससे कि लोगों को भ्रमित कर दें, लेकिन जो हाथरस में हुआ है वो निंदनीय है और वो किसी भी सरकार के लिए जो है या किसी भी आम आदमी के लिए अगर उसको व्यक्तिगत तौर पर सोचा जाए तो वो दुखी भरा पल है। जिस तरह से उस बच्चे की लाश को बिना
पीड़ित परिवार की सहमति के कचरे की तरह जलाया गया और पीड़ित परिवार जिस तरह डराया गया। अभी भी एक नई जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों द्वारा कि पीड़ित परिवार को वहाँ एक SDM मोदी है, वो जाकर कहती है अगर आपको न्याय चाहिए तो 25 लाख रुपये वापस कर दो। तो इसका मतलब ये है कि उनको पीड़ित परिवार को डराया दबा जा रहा है, किसी तरह से वो पैसों में समझौता कर ले। 25 लाख रुपये सरकार अगर उनसे लेना चाहती तो लिखित में एक आदेश देते, उनसे 25 लाख रुपये दे ले, हम अपने समाज को 50 लाख रुपये इकट्ठे करके दे देंगे। लेकिन पीड़ित परिवार की एक ही मांग है कि न्याय चाहिए, और पैसों की मांग उनकी नहीं थी, ये समाज की मांग थी, क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो हुआ है वो समाज की बेटी है। ये करना का जो अधिकार है किसी को भी नहीं है, दरिंदों को नहीं है। तो ये अगर सरकार मदद के बाद दबाव बनाती तो मुझे ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार से और कोई उम्मीद भी नहीं। एक बात और आजाद जी, आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी कि बार बार आरोप लगाते रहते हैं विपक्ष की, आजाद समाज पार्टी हो या OSCC पार्टी हो, ये BJP की भी पार्टी है। BJP नहीं चाहती कि मुस्लिम एक तरफ जाए और दलित एक तरफ जाए, जिससे मायावती मजबूत हो या फिर मुस्लिम भी समाज मजबूत हो जी। तो इसमें क्या कहना है? देखिए, आरोप लगाना तो आसान है, मैं कहता हूँ जिनके खिलाफ संघर्ष है उनसे समझौता तो नहीं हो सकता है। मैं आज ही के दिन जेल से लौटा था, दिल्ली पुलिस ने मुझे बंद किया था, 2 महीने ज़्यादा जो है मैं जेल में रहा था, मेरी कमर पे 250 करीब लाठियाँ पड़ी थी। तमाम जो जेलों का के मुकदमे मेरे ऊपर हुए, जहाँ मैं जेल गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। तो हम उनकी BT में एक टाइम में तो समय और जनता तय करेगी, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ से खेल रहे हैं, जो CNPR NRC पर उनका साथ देते हैं, जो और तमाम उन पर आर्थिक आधार पर आरक्षण जब लागू होता है तब वो उनका साथ देते हैं, जिन्होंने बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों से के खिलाफ जाके जो है वो अघोषित रूप से जो इमरजेंसी लग रखी है देश के अंदर, जिस तरह से वो संविधान खत्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका सहयोग कर रहे हैं, ऐसे लोग भी चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।